हेलो एवरीवन, स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। मैं गरिमा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक धमाकेदार बेहतरीन शानदार वीडियो लेकर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप हो चुका है, जो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए हैं। के बाद T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए हैं, जो कि खुशी की बात है। और अभी 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के साथ भी T20 सीरीज शुरू होने वाली है, ODI भी है, टेस्ट भी है, लेकिन उसके बाद होने वाले हैं IPL, जो कि 22 मार्च से शुरू होने वाले हैं, जिसका ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होने वाला है, जहां 10 फ्रेंचाइजी टीमों का सिलेक्शन करेगी, जहां प्लेयर्स बिकने वाले हैं, पैसों की बारिश होने वाली है, और सभी की सभी फ्रेंचाइजी उस दिन एक ही गाना गाएंगी कि मैं बारिश कर दूं पैसे की टीम में आजा मेरी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस बार ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनका करियर लगा है दाव पर, मतलब जिन्हें IPL में जगह ही नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले नाम आता है आदिल रशीद का। आपको बता दूं कि आदिल रशीद लास्ट IPL में हैदराबाद की तरफ से खेले थे। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही टट्टी परफॉर्मेंस रहा है इनका। वर्ल्ड कप में भी बहुत ही रद्दड़ परफॉर्म इन्होंने किया है। साथ ही साथ पिछले IPL में इन्होंने सिर्फ 3 विकेट लिए थे और इकोनॉमी भी इनका 9.1 रही है, मतलब बहुत ही अंडररेटेड ये परफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने अपना बेस प्राइस, मतलब मैं तो सुन के शॉक हो गई, बेस प्राइस रखा इन्होंने अपना 2 करोड़। अच्छा, करोड़ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 2 करोड़, हे भगवान, तुमने सोचा भी? 2 करोड़ बोलने से पहले 2 करोड़ कितने होते हैं तुम्हें याद भी है? लेकिन वही बात है ना, इंग्लैंड का प्लेयर है ना, तो नौटंकी तो दिखाएंगे ही, चौड़ तो दिखाएंगे ही, बट ठीक है, 2 करोड़ बोलो तुम, 10 करोड़ बोलो, तुम्हें कोई नहीं लेने वाला भैया, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो तुम रद्दड़ हो बिल्कुल। अरे आप ये सोचो ना कि रचिन रविंद्र जैसे बेहतरीन प्लेयर, मतलब जिनका आप देखो तो न्यूज में पूरा दबदबा चल रहा है, मतलब अच्छे बहुत दमदार प्लेयर है, उन्होंने अपना बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख रखा है, और तुम जिन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है तुम अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई भी टीम में लेगा इस बार। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केदार यादव, इन्होंने भी अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है। यही सोच रही थी कि क्या सोच के ये लोग अपना बेस प्राइस रख रहे हैं, मतलब एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस तो देखे कि आपने लास्ट परफॉर्म क्या किया है, या अभी वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस हिसाब से कुछ तो सोच समझ के इंसान कुछ डिसीजन लेता है या कुछ बात कहता है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि लास्ट IPL में ये आधा IPL ही खेले थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद जैसे ही टीम बाहर हुई इन्होंने मराठी कमेंट्री भी ये करते हैं। क्रिकेटर अच्छे नहीं है बट कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि भैया तुम क्रिकेटर से ले लो संन्यास और अपना मराठी कमेंट्री करो, क्योंकि उसी में तुम परफेक्ट हो, वही तुम्हारे लिए करियर बेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं जोश हेजलवुड, ये लास्ट IPL में RCB की तरफ से खेले थे, इनको रिलीज कर दिया है RCB ने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों रिलीज किया, क्योंकि काफी अच्छे बॉलर हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं, इनको होने वाला है बेबी, नन्ना मुन्ना आने वाला है घर, तो ये आधा IPL नहीं खेल पाएंगे। अब आधा IPL नहीं खेल पाएंगे तो आधे में फिर ये क्या ही कर पाएंगे, जब शुरू से इनको कुछ पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, तो बाद में ये क्या ही मतलब खेल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे चीजों को। मेरे ख्याल से अगर कोई टीम इनको लेती है तो वो डिसीजन गलत ही होगा, बाकी पता नहीं, कोई टीम अगर ले भी लेगी तो मैं तो यही कहूंगी कि उनका ही नुकसान है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आधा IPL नहीं खेल पाएंगे तो उसके बाद क्या पता इनका ही मन ना करे कि ये बाकी के मैचेस भी खेले। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूं, स्क्रॉल करता हूं, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूं। तो ऐसे में रिस्क लेने वाली बात है, रिस्क है तो रिस्क, इनको वैसे किसी टीम को कंसीडर नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सरफराज खान। आपको बता दूं कि कुछ टाइम ये दिल्ली की तरफ से खेले हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए ये RCB की तरफ से भी IPL में खेले हैं, लेकिन इनकी अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ये सिर्फ रजनी ट्रॉफी तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेंचुरी भी बनाते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही IPL में या किसी बड़ी लीग की बात होती है तो इनकी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाती है। मे बी या तो इनकी उम्र भी इतनी नहीं है, पता ये प्रेशर नहीं झेल पाते हो, थोड़ा इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, बट जो भी है तो बट IPL में रिस्क इनके लिए भी नहीं लेना चाहिए किसी भी टीम को कि आप पैसा लगा दो इनको लो और ये परफॉर्म ना कर पाए तो टीम का खुद का ही लॉस है, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको भी कोई कंसिडर करेगा, मतलब इस ऑक्शन में अपनी टीम में रखने के लिए। तो इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी नाम है यश दयाल का। आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस ने इनको रिलीज कर दिया है 3 करोड़ 20 लाख रुपए में। अगर आप अभी भी इनको नहीं पहचान पाए हैं तो मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ उससे तो आप डेफिनेटली
डेफिनेटली पहचान लेंगे। लास्ट ईयर 9th अप्रैल 2023 को एक मैच हुआ था केकेआर और गुजरात के बीच, जिसमें रिंकू सिंह ने इनको जो बेला था ना, मतलब लास्ट ओवर इनका था और किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि केकेआर जीत जाएगी गुजरात से, क्योंकि लास्ट ओवर में 30 रन चाहिए थे और ये काफी बड़ा टास्क है। ऑब्वियसली बात है, एक ओवर में 30 रन बनाना, मतलब कि 5-6 छक्के चाहिए आपको, और रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे, मतलब ये एक यादगार लम्हा था। Wonderful strike this time, around the middle of the bat, all the way down the ground. Oh, gone again! Oh, it's gone again, would you believe it? 3-3! Zags again! Down the ground, and it goes for 6 again! कभी कभी बॉलर नहीं भी चलते हैं, अच्छे अच्छे बॉलर भी पड़ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि शायद क्योंकि उसी टाइम से इनका करियर थोड़ा सा ऐसे डगमगा सा गया था, क्योंकि रिंकू सिंह ने जो परफॉर्म किया था और इन्होंने काफी बॉलिंग में काफी कमी भी रही थी इनकी, अगर मैं सही से बात करूं तो सोच समझ के बॉलिंग नहीं की थी और पिट गए थे, तो जिसके बाद थोड़ा करियर का इनका ऐसे ही रहा है। तो मेरे को लगता है कि शायद कोई इनको टीम में लेने का रिस्क ना ले, बट ले भी लें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है टाइम वो खराब था, नहीं चल पाए। अब अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी, अच्छे अच्छे बैट्समैन भी, कई बार विराट जी को ले लो, रोहित जी को ले लो, कभी कभी वो भी 2-4 रन बना के आउट हो जाते हैं, इसमें जज करने वाली तो कोई बात नहीं है। वैसे आपका ओपिनियन क्या है आप हमें जरूर बताएं, आपको कोई और ऐसे प्लेयर हैं जो लगते हैं कि इस बार अनसोल्ड रहेंगे आईपीएल में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है आपका तो बिना झिझक हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।